नमस्कार, मैं हूं संदीप पुंजी और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। खबरों के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने हूं। खसाइन क्षेत्र में हुए कमालपुर के युवक के साथ गोलीकांड का कोतवाली प्रभारी मृदुल कुमार सिंह ने किया खुलासा। गोलीकांड निकला फर्जी। गोली से पीड़ित गौरव ने अपने साथियों से खुद पर ही चलवाई थी गोली। फंसाना चाहता था हसाइन व गांव के ही अन्य व्यक्तियों को और आरोपी बनाकर दर्ज करा दी थी उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट। पुलिस ने किया पूरे षड्यंत्र का खुलासा और एक टॉप 10 अपराधी को किया गिरफ्तार, जिससे घटना में प्रयुक्त तमंचा और एक बिना नंबर की बुलेट मोटरसाइकिल भी की बरामद और भेजा जेल। पुलिस ने राम खिलाड़ी पुत्र अजब सिंह, बित्ती पुत्र राम खिलाड़ी, संजू उर्फ नेत्रपाल पुत्र ठाकुरदास व गौरव पुत्र संजू उर्फ नेत्रपाल निवासीगढ़ कमालपुर, राजेंद्र पुत्र हरि सिंह निवासी चमरौली व प्रवीण पुत्र कालीचरण के खिलाफ किया केस दर्ज। पुलिस टीम में कोतवाली प्रभारी मृदुल कुमार सिंह, एसआई ओमवीर सिंह, हेड कांस्टेबल राजेश कुमार, हेड कांस्टेबल भीमसेन, कांस्टेबल राहुल, कांस्टेबल सत्येंद्र आदि रहे शामिल। ये दिनांक 3/7/20 को ये ग्रामीण मुकदमा अपराध संख्या 123/20 धारा 3/7/5/4/5/4/20 इसके बाद ही थे संजू जो कमालपुर थाना कंदरा के रहने वाले हैं। इन्होंने थाना आजाब एक तहरीर लिया कि मेरे पुत्र गौरव सनम संजू के चार लोगों ने गोली मार दी। चार लोग नेम लिखाए थे वो विवेचना से झूठे पाए गए। प्रकाश में ये षड्यंत्र के तहत उसने खुद गोली मरवाई थी और इसने एक कंप्यूटर पड़ता है देख के हॉस्पिटल है वहाँ इसने सिकंदरा वहाँ का एक कंप्यूटर पकड़ा गया है रुकसान। उससे इसने मजरूब ने अपने जहाँ गोली लगी थी उस गोली लगने से पहले अपना शरीर इसने इंजेक्शन लगवाया था, उसे सुन्न करवाया था, उसके षड्यंत्र के तहत गोली मारी थी। गोली मारने में ये लोगों की प्लानिंग थी कि पीतम्बर और चाचू का झगड़ा मौजूदा प्रधान राम खिलाड़ी से प्रॉपर्टी को लेकर था। एक कारण ये था, दूसरा कारण ये था कि मजरूर गौरव है हमारे यहाँ सत्ते पर साल का सत्ते रहने वाला है, उसकी बहन चचेरी बहन को भागा कर ले गया था। एक ही सही मौजूदा प्रधान राम खिलाड़ी जो मुकदमे में प्रकाश में आया है और 6 लोग आए। इन लोगों का कहना एक ही तीर से दो निशाने बनाना चाहते थे, उधर प्रॉपर्टी में कब्जा करना चाहते थे उसकी पीतम्बर की, इधर वो गौरव इससे सत्ते से पैसे लेना चाहता था। इस घटना का एक क्रम है और 6 लोग इसमें प्रकाश में आए। राम गाड़िया राम ये और जो 4 नियम लगे गए थे वो झूठे पाए गए। इसमें प्रधान भी प्रधान राम गाड़ी है, राम गाड़ी प्रधान है, तनो अजब सिंह दूसरा है, उसका लड़का जबकि पुत्र राम गाड़ी, तीसरा संजू और नेत्रपाल, चौथा गौरव जिसने अपने गोली को लगवाई थी वो भी मुलजिम बना है, पाँचवा इसमें है उसका रिश्तेदार है राजेंद्र, ठीक है, और छठा जो मुकदमा जिसने लिखा था उसके खिलाफ भी कार्रवाई की। स्थानीय स्तर हमारे थाना आजा का टॉप 10 भी है और सक्रिय अपराधी है जिसने उस घटना का कबूल किया है जो मुकदमा अपराध संख्या 113/20 के लिए उसमें इसने अपने हाथ से गोली मारी थी। तो मित्रों अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के साथ साथ अपने आसपास की खबरों के लिए आप जुड़े रहें समाचार एक्सप्रेस के साथ। जय हिंद।